उपचुनाव से ठीक पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासी एंट्री ने कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जी हां, सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि अब इनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं। साथ ही सिंधिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब देश में कांग्रेस से मोह भंग हो गया है जनता का। देखिए खास रिपोर्ट। सिंधिया सनसनी से कांग्रेस में खलबली, कमलनाथ और दिग्विजय को सिंधिया की चुनौती, कहा इन्हें जवाब देने के लिए अब मैं मैदान में आ गया हूँ। कांग्रेस से मोह भंग हो गया है जनता का, बोले सिंधिया। प्रदेश की 25 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। शिवराज सिंह पहले ही अपनी सभाओं से कांग्रेस पर करारा प्रहार कर रहे थे, वहीं अब सिंधिया की सनसनी ने कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सिंधिया अब खुलकर मुखर हो रही हैं। जी हां, सिंधिया ने ऐलान कर दिया है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस से मोह भंग हो गया है जनता का। कठिनाई क्या है कि आप लोग इस देश को धर्म और जाति में आप मैं तो ये कहूंगा कि पूरी प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है कांग्रेस, क्योंकि 15 महीनों में जो व्यापार और भ्रष्टाचार की सरकार इन्होंने चलाई, इनको चिंता हो रही है पोर्टफोलियो का विभाजन। जब ये सत्ता में थे 15 महीने तब पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन। और मैंने कहा जब पिछले बार में आया था भोपाल कि 90 दिन में चुपचाप रहा, क्योंकि पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे, राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। वो नहीं हो रहे ना, क्या एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ जो 15 महीने में इन्होंने किया, वही कोरोना में भी उन्होंने किया। सचिन आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूँ। कुल मिलाकर उपचुनाव के रण में ग्वालियर चंबल की 16 और मालवा निमाड़ की 5 सीटों पर सिंधिया की साख दांव पर लगी है। ऐसे में सिंधिया अब पूरे रंग में नजर आ रही है। यही कारण है कि राजनीति में चुप्पी साधे सिंधिया अब कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।